हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको फायरबोल्ट टैंक को कंपेयर करने वाला हूँ डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फायरबोल्ट टैंक से। तो इसमें आपको एक फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको जो है कर्व डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे फायरबोल्ट टैंक में आपको रगेड डिज़ाइन मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको नॉर्मल डिज़ाइन मिलता है। फायरबोल्ट टैंक में आपको 1.85 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 1.69 इंच का हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही में आपको 240x280 पिक्सल्स मिलते हैं। यहाँ पे फायरबोल्ट टैंक में आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है एंड इनबिल्ट माइक्रोफोन, और डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको ये दोनों चीज़ नहीं दिया गया है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको जो है वो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर मिल जाता है, SPO2 सेंसर मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग मिल जाता है। फायरबोल्ट टैंक में आपको 123 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिल जाते हैं, और यहाँ पे फायरबोल्ट टैंक में आपको जो GPS बेस्ड ट्रैकिंग मिल जाता है, और डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको जो है वो फ़ोन बेस्ड ट्रैकिंग मिल जाता है, फ़ोन के जो है वो GPS से जो ट्रैक होगा। यहाँ पे दोनों ही में आपको जो है वाटर रिमाइंडर मिल जाता है, दोनों ही में आपको स्टेप काउंटर मिल जाता है, दोनों ही में आपको कैलोरी बर्न कितना किए वो ट्रैक हो जाएगा। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में डिस्टेंस ट्रैकिंग का भी जो है वो ट्रैक हो जाता है, और फायरबोल्ट टैंक में आपको जो है वो 7 days का बैटरी बैकअप मिलता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको जो है 10 days का बैटरी बैकअप मिलता है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, वेदर अपडेट मिल जाता है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, फाइंड माई फोन, कॉल नोटिफिकेशन मिलते हैं। फायरबोल्ट टैंक में आपको AI वॉइस असिस्टेंट मिलता है, जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। फायरबोल्ट टैंक में आपको इनबिल्ट गेम्स मिल जाते हैं लाइक फ्लॉपी एंड 2048, और ये चीज़ जो है आपको डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। फायरबोल्ट टैंक में आपको 3 color ऑप्शन मिलते हैं, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 6 color ऑप्शन मिलते हैं। फायरबोल्ट टैंक में आपको IP67 का रेटिंग मिल जाता है, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। फायरबोल्ट टैंक का जो प्राइस है वो है 1,999 rupees, एंड डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स का प्राइस है 2,499 rupees। सो गाइस, इन दोनों में अगर देखा जाए तो प्राइस डिफरेंस जो है वो 500 rupees का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। फायरबोल्ट टैंक में आपको एक इनबिल्ट जो है वो ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, इनबिल्ट आपको माइक्रोफोन एंड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, जो आपको डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। दूसरा, इसमें आपको जो है वो एक AI वॉइस असिस्टेंट जो है वो नहीं दिया गया है, और तीसरा, इसमें आपको जो इनबिल्ट गेमिंग का जो सपोर्ट नहीं दिया गया है। 2 games भी आपको फायरबोल्ट टैंक में मिलते हैं, जो डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में नहीं दिया गया है। तो ये 3 main डिफरेंस है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में। सबसे मेन डिफरेंस जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का। आजकल जो वो सारे स्मार्ट वॉचेस जो आ रहे हैं इंडिया में, उन सभी में ब्लूटूथ कॉलिंग का जो वो टेक्नोलॉजी फीचर जो है वो एड ऑन किया गया है, बट इस स्मार्ट वॉच में नहीं किया गया है, और इसका प्राइस 500 rupees एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू फायरबोल्ट टैंक। सो गाइज, अगर आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में कंफ्यूजन था कि कौन सा परचेस करें, तो आपको डेफिनेटली फायरबोल्ट टैंक के साथ जाना चाहिए इन कंपेयर टू डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। सो गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।